नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विप्लव स्टॉक्स में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में। अच्छा स्टॉक है, अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक है। इस वीडियो में वैल्यूएशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्वार्टरली रिजल्ट, बैलेंस शीट, चार्ट और NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ जानकारी दूंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको इस स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते हैं। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं इस स्टॉक के वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन में सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप देखते हो तो मार्केट कैप आप दे सकते हो 12,213.07 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी 12,213.07 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट लॉट हर स्टॉक की तरह 1 है, यानी 1 है। पी की बात करें 44.68, यानी 44.68 है। इंडस्ट्री पी 23.38, यानी 23.38 है। तो आप देख सकते हो स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से हाई यानी ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा स्टॉक के लिए। किसी भी स्टॉक का पी अगर उसके इंडस्ट्री पी से हाई यानी ज़्यादा होता तो नेगेटिव माना जाता है, अगर स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से लो यानी कम होता तो पॉजिटिव माना जाता है। तो इस स्टॉक के लिए नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा कि स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से हाई यानी ज़्यादा है। बुक वैल्यू 74.19 यानी 74.19 है। EPS 10.11 यानी 10.11 है। डिविडेंड परसेंटेज 0.00 है यानी 0.00 है। PC 43.1 यानी 43.1 है। प्राइस बुक 6.11 यानी 6.11 है। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज डैश है, क्योंकि डिविडेंड परसेंटेज 0.00 इस वजह से डिविडेंड यील्ड परसेंटेज भी डैश है। फेस वैल्यू 2 है यानी 2 का फेस वैल्यू है। और डिलीवरल परसेंटेज 18.32 यानी 18.32 है। आमतौर पर 20% उससे ज़्यादा का डिलीवरल परसेंटेज अच्छा होना जाता है, तो 20% थोड़ा सा कम है। तो आपको तो आने वाले टाइम में डिलीवरल परसेंटेज ठीक होने की पॉसिबिलिटीज है, आने वाले टाइम में डिलीवरल परसेंटेज अच्छा होगा स्टॉक का। तो ओवरऑल वैल्यूएशन ठीक ठाक है। इसके बाद चले चलते इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखते हो मार्च 2020 और दिसंबर 2019 का डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रमोटर्स की। तो प्रमोटर्स आप देख सकते हो दिसंबर 2019 में 28.31 यानी 28.31% शेयर प्रमोटर्स के पास था। वही मार्च 2020 भी सेम ही 28.31% शेयर ही प्रमोटर्स के पास था। इसके बाद बात करते हैं प्लेसर की। प्लेसर वो होते हैं जो प्रमोटर अपने शेयर गिरवी रखते हैं, उसको प्लेसर कहा जाता था। तो प्लेसर आप देख सकते हो दिसंबर 2019 में 71.54 यानी 71.54% शेयर प्लेस था। वही मार्च 2020 में 94.76 यानी 94.76% शेयर प्लेस थे, यानी गिरवी रखे हुए थे। तो आपको तो किसी भी स्टॉक का प्लेसर होना नेगेटिव माना जाता था। आप देख सकते स्टॉक का काफ़ी हाई प्लेसर यानी काफ़ी ज़्यादा शेयर गिरवी रखे हुए। आप देख सकते हो प्रमोटर्स ने लगभग 94.76% शेयर जो है गिरवी रखा हुआ है, तो ये नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में स्टॉक के लिए। इसके बाद बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर की, जो कि सॉरी माफ कीजिएगा, जो कि है FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर। तो आपको तो किसी भी स्टॉक के लिए फॉरेन इन्वेस्टर इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर माना जाता है। किसी भी स्टॉक में अगर फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते तो स्टॉक को अच्छा माना जाता है। तो फॉरेन इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है दिसंबर 2019 में 27.74 यानी 27.74% शेयर फॉरेन इन्वेस्टर के पास था। वही मार्च 2020 में 30.61 यानी 30.61% शेयर फॉरेन इन्वेस्टर के पास था। तो हम देख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग बढ़ रही है यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसका टोटल DII आप देखो दिसंबर 2019 में 34.56 यानी 34.56 था। वही मार्च 2020 में 31.9 यानी 31.9 था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप देख सकते हो दिसंबर 2019 में 0.04 यानी 0.04% शेयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास था। वही मार्च 2020 में 0.13 यानी 0.13% शेयर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के सॉरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास था। इसके बाद बात करते हैं इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की। तो इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आप देख सकते दिसंबर 2019 में 0 है और मार्च 2020 में 0 है, यानी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इस स्टॉक में अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर की बात करते हैं, जो कि MF यानी म्यूचुअल फंड कंपनीज। ये भी किसी भी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर माने जाते हैं, और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको तो उस स्टॉक के बारे में रिसर्च और एनालिसिस जरूर करते हैं। फिर कंपनीज की जो होल्डिंग होती है दिसंबर 2019 में 30.36 यानी 30.36% शेयर म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास था। वही मार्च 2020 में 27.59 यानी 27.15% शेयर म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास था। तो फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट है जो होल्डिंग है थोड़ा सा घटता हुआ, तो आपको तो म्यूचुअल फंड कंपनीज अपना होल्डिंग कम कर रहे हैं यानी इन्वेस्टमेंट घटा रहे। इसका अदर DIIs की बात करते हैं, अदर DIIs आप देख सकते हो दिसंबर 2019 में 4.16 यानी 4.16 है। वही मार्च 2020 में
4.62 यानी 4.62 है। अदर से यहाँ पर देख सकते दिसंबर 2019 में 9.39 यानी 9.39 और मार्च 2020 में 9.17 यानी 9.17 था। तो ये रहा आपका दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है कि प्लेसर है स्टॉक का। इसके अलावा एफ आई सी ने इन्वेस्टमेंट कर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे, तो ये अच्छी बात है। और म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग आप देख 27% शेयर म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास है, तो ये अच्छी बात है स्टॉक के लिए। इसके बाद चले चलते इसके लास्ट रिकॉर्डर का जो रिजल्ट है, रिजल्ट मैं आप लोग दिखा देता हूँ। तो मार्च 2020, दिसंबर 2019 और सेप्टेम्बर 2019 का डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करेंगे सेल्स की, तो सेल्स आप देख सकते हो सेप्टेम्बर 2019 में 4,685.87 करोड़ का सेल्स था, वहीं दिसंबर 2019 में 5,365.68 करोड़ का सेल्स था। तो सेप्टेम्बर के कंपेरिजन में दिसंबर में सेल्स इंक्रीज हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और मार्च 2020 के क्वार्टर में 4,264.06 करोड़ का सेल्स था, तभी दिसंबर क्वार्टर के कंपेरिजन में मार्च में थोड़ा सेल्स डिक्रीज हुआ यानी कम हुआ है। इसके बाद बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, सबसे नीचे सबसे बॉटम में आपको दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आप देखिए सितंबर 2019 में 64.36 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वहीं दिसंबर 2019 में 147.58 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो सितंबर से काफ़ी इंक्रीज हुआ, सितंबर के कंपेरिजन में दिसंबर में नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो अच्छी बात है कंपनी के लिए। और मार्च 2020 में 6.67 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, तो काफ़ी कम हो गया आप देख सकते, काफ़ी डिक्रीज हो गया दिसंबर से भी और सेप्टेम्बर से भी। इस बारे में कंपनी को जरूर रिसर्च करना चाहिए कि नेट प्रॉफिट क्यों कम हुआ है मार्च 2020 में, और रिसर्च करके आपको तो एनालिसिस करके इसी इसको बढ़ाना चाहिए नेट प्रॉफिट को, तभी कंपनी और अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। इसके चले चलते इसके बैलेंस शीट के ऊपर, तो बैलेंस शीट में मार्च 2019 और मार्च 2018 का डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करेंगे टोटल शेयर कैपिटल की, तो सोर्स ऑफ फंड के नीचे टोटल शेयर कैपिटल आपको दिख रहा होगा। तो टोटल शेयर कैपिटल मार्च 2018 में जो था वो 53.68 करोड़ का टोटल शेयर कैपिटल था, और मार्च 2019 में 53.88 करोड़ का टोटल शेयर कैपिटल था। इसके बाद बात करते हैं नेटवर्थ की, तो फोर्थ नंबर पे थोड़े डार्क कलर में नेटवर्थ आपको दिख रहा होगा। तो नेटवर्थ आप देख सकते हो मार्च 2018 में 1,919.55 करोड़ का नेटवर्थ था, वही मार्च 2019 में 2,000.03 करोड़ का नेटवर्थ था। इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि हर बैलेंस शीट पे देखा जाता है और हर बैलेंस शीट पे इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि है टोटल डेप्ट यानी कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो टोटल डेप्ट भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मार्च 2018 में जो टोटल डेप्ट था 0.00 है, और मार्च 2019 में भी टोटल डेप्ट यानी कंपनी के ऊपर कर्जा 0.00 यानी कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं। तो काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी डेप्ट फ्री है, कंपनी और अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी, और कंपनी ग्रोथ करेगी तो उसके बाद स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा, तो डेप्ट फ्री कंपनी होना काफ़ी अच्छी बात होता है। इसका चले चलते इसके चार्ट के ऊपर, तो चार्ट में आपको बता दो अभी आज मार्केट ओपन नहीं हुआ, अभी माफ कीजिएगा, अभी आज मार्केट ओपन नहीं हुआ है, अभी आप देख सकते हो लगभग 7:30 बजे का टाइम चल रहा है आज आपको बता दूँ। तो एक कल का क्लोजिंग प्राइस आपको बता दूँ, कल का क्लोजिंग प्राइस 3 जून यानी कल 3 जून था आपको बता दूँ, कल वेडनेसडे 3 जून था, आज थर्सडे है 4 जून, तो कल का क्लोजिंग प्राइस 453 रुपये का क्लोजिंग प्राइस है कल आप देख सकते हो, और 9.45 रुपये नीचे गया स्टॉक कल, 2.04% डाउन था, 2.04% नीचे था स्टॉक। तो कल का क्लोजिंग प्राइस 453 रुपये पे क्लोज हुआ स्टॉक। पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 दिन में पॉजिटिव परफॉर्मेंस रहा, पिछले 5 दिन में 2.13% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 2.13% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 9.45 रुपये ऊपर गया पिछले 5 दिन में स्टॉक। और पिछले 5 दिन का सबसे जो हाई प्राइस यानी सबसे जो टॉप प्राइस था वो था 492.65 रुपये का, जो कि मंडे 1 जून को लगा था। बात करते हैं पिछले 1 महीने के, तो पिछले 1 महीने में नेगेटिव रिटर्न रहा, 2.10% का नेगेटिव रिटर्न, 2.10% का नेगेटिव रिटर्न दिया पिछले 1 महीने में स्टॉक, 9.70 रुपये नीचे गया पिछले 1 महीने में स्टॉक। और पिछले 1 महीने का सबसे जो बॉटम प्राइस यानी सबसे जो लो प्राइस है वो 417.75 रुपये का, जो कि मंडे 18 मई को लगा था। बात करते हैं पिछले 6 महीने की, तो पिछले 6 महीने में भी नेगेटिव रिटर्न रहा आप देख सकते हो, पिछले 6 महीने में 12.10% का नेगेटिव रिटर्न है, 12.10% का नेगेटिव रिटर्न है, 62 रुपये आप देख सकते हो, 62.35 रुपये नीचे गया पिछले 6 महीने में स्टॉक। ईयर टू डेट करें 1 जनवरी 2020 से लेकर अब तक की, तो आप देख सकते 16.45% का नेगेटिव रिटर्न है, 16.45% का नेगेटिव रिटर्न है, 89.20 रुपये नीचे गया ईयर टू डेट में 1 जनवरी 2020 से लेकर अब तक। बात करते हैं पिछले 1 साल की, तो पिछले 1 साल में थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहा है देखो, आप इसको फ्लैट मान के भी चले सकते हो, 0.68% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन ये फ्लैट ही है, 0.68% का पॉजिटिव रिटर्न, 3.05 रुपये ऊपर गया 1 साल के टाइम पीरियड में। बात करते हैं 5 साल की, तो 5 साल में नेगेटिव रिटर्न है आप देख सकते 6.97% का नेगेटिव रिटर्न, 6.97% का नेगेटिव रिटर्न है,
33.95 रुपये नीचे गया पिछले 5 साल में स्टॉक। बात करेंगे हम लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म आप देख सकते पॉजिटिव रिटर्न है और अच्छा रिटर्न है। आप देख सकते हो 1075.10% का पॉजिटिव रिटर्न है। 2000 से 2020 तक का रिटर्न, लगभग 20 साल में 1075.10% का रिटर्न अच्छा रिटर्न माना जाएगा। और आप देख सकते हो जो ऊपर गया रुपीज़ में 414.45 रुपये ऊपर गया, आप देख सकते हो लगभग इन 20 सालों में तो अच्छा रिटर्न दिया। आप देख सकते हो इन 20 सालों में लगा, आप देख सकते हो 1075.10% का रिटर्न दिया, तो अच्छा रिटर्न माना जाएगा। और आपका तो चार्ट देख आपको पता ही चल गया होगा चार्ट देख के कि मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में स्टॉक उतना अच्छा रिटर्न दिया नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दिया। तो अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में स्टॉक में ना जाए तो ही अच्छा होगा। इसका चले चलते हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाकी जानकारी वहाँ पर देता हूँ मैं आप लोगों को। तो एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ, तो आप देख सकते हो कल का क्लोजिंग प्राइस पहले ही बता चुका हूँ, कल 3 जून था। तो कल का क्लोजिंग प्राइस आप देख सकते हो 453 रुपये पर कल स्टॉक क्लोज हुआ था। प्रीवियस क्लोज जो था वो 462.45 रुपये का था। ओपन जो हुआ था 464 रुपये पर हुआ था कल। हाई जो लगा था 479.70 रुपये का, लो जो लगा था 450 रुपये का, और क्लोज एडजस्टेड प्राइस 451.70 रुपये का। 52 पिक लो की बात करें, 52 पिक हाई आप देख सकते हो 611.90 रुपये का, जो कि 4 मार्च 2020 को लगा था। 52 पिक लो की बात करें 276.35 रुपये का, जो 23 मार्च 2020 को लगा था। बात करते हैं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन के, तो 3 जून 2020 का 4 बजे तक का डेटा अवेलेबल है। तो 4 बजे तक का डेटा में यानी टोटल क्वांटिटी जो कल ट्रेड होता है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। 40,02,712 क्वांटिटी ट्रेड होता, यानी 40,02,712 क्वांटिटी ट्रेड होता था। उसमें से जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है 11,09,944 क्वांटिटी की डिलीवरी हुई थी, यानी 11,09,944 क्वांटिटी की डिलीवरी हुई थी। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी जो निकल के 27.73, यानी 27.73% की डिलीवरी हुई, तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी हुई है। 20% उससे ज़्यादा की डिलीवरी अच्छी मानी जाती है, 20% से कहीं ज़्यादा डिलीवरी हुई तो काफ़ी अच्छी बात है स्टॉक के लिए। इसका चले चलते इसने जो लास्ट डिविडेंड दिया था वो कब दिया था, कितना दिया था, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसने लास्ट जो डिविडेंड दिया था, लास्ट एक बार जो डिविडेंड दिया था आप देख सकते हो, वो दिया था 19 सितंबर 2016 को। 1.80 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था 19 सितंबर 2016 को, और 2016 के बाद अभी तक इस स्टॉक ने डिविडेंड नहीं दिया, ये लास्ट इसने डिविडेंड दिया था। और इस स्टॉक के बारे में जितनी भी जानकारी मेरे पास थी मैंने आप लोगों को दे दी है। लास्ट में डिसीजन आपको लेना कि आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या स्टॉक को इग्नोर करना है। लास्ट में आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते हैं, तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। एंड आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पर आकर मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड आपका कोई सजेशन हमारे चैनल को लेकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड आई होप इतने रिक्वेस्ट करते आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा हमारे चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलता अगले वीडियो में, जय हिंद।